मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री को आग ही ना लगे। तो हमने ये तीनों चीजें कंट्रोल करनी है, तभी तो आग नहीं लगेगी। फ्यूल को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूल जो होगा वो तो हमारा, यानी अगर पेंट के इंडस्ट्री है तो पेंट तो हमारा प्रोडक्ट है, वो तो हमने बनाना ही बनाना है, तो ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते। और रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो एयर में होती है, वो भी नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आग ना लगने की वजह, उसको जो कंट्रोल करने वाली चीज है वो होती है हीट। हीट को हम कंट्रोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम एहसान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नदीम अजीम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर ट्रायंगल हमें क्या बताती है? फायर ट्रायंगल से हमें ये पता चलता है कि आग को लगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर हम फायर के इस प्रोसेस को समझ लेते हैं तो हम यकीनन आग पर काबू भी आसानी से पा सकते हैं, जो कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं फायर ट्रायंगल क्या होती है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो फायर सेफ्टी के बारे में मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फायर ट्रायंगल के बेसिकली तीन एलिमेंट होते हैं। नंबर वन पे है हीट, दूसरे पे है ऑक्सीजन, तीसरे पे है फ्यूल। ये तीन एलिमेंट जो होते हैं, ये अगर इकट्ठे मौजूद होंगे तो आग लग जाएगी, अगर इनमें से किसी एक को भी मिस कर दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक रूम है, इसमें वुड पड़ी हुई है, ये वुड पड़ी है, वुड हमारा क्या है? फ्यूल। एक एलिमेंट ये पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो भी रूम में मौजूद है। ऑक्सीजन जो है एयर में जो है वो ऑक्सीजन है 21% होती है, वो भी मौजूद है। ये दो एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। जब तक हम इसको हीट, जो कि एक माचिस के जरिए या किसी भी जरिए हीट नहीं देंगे, तो आग नहीं लगेगी। दूसरी मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूल नहीं है, ये वाली चीज मौजूद नहीं है। हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग से जो शोले निकल रहे हैं वो जमीन पे ऐसे गिर रहे हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है और ये हीट भी मौजूद है शोलों की सूरत में, लेकिन यहाँ पे कोई फ्यूल ही नहीं पड़ा हुआ, तो आग नहीं लगेगी। तीनों चीजें एक ही वक्त में मौजूद होंगी तो आग लगेगी। अब बात करते हैं कि फ्यूल में हमारे पास क्या होता है, हीट में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं फ्यूल। फ्यूल में हमारे पास गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, नंबर वन पे, और दूसरे नंबर पे हमारे पास लिक्विड हो सकता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास सॉलिड हो सकता है। तीनों किस्म के फ्यूल हो सकते हैं। अब सॉलिड मटेरियल में हमारे पास वुड हो सकती है, पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकते हैं, कोल हो सकती है, ग्रीस हो सकती है, लेदर हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, हे हो सकता है, यानी घास फूस। और इसी तरह लिक्विड में हमारे पास गैसोलीन, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेंट हो सकता है, वार्निश हो सकती है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, यानी इस तरह की लिक्विड इंडस्ट्री हो सकती है जो कि लिक्विड बना रही होंगी, या जो इस तरह की इंडस्ट्री हो सकती है जो कि सॉलिड बना रही होंगी। यहाँ पे हमने सेफ्टी को मद्देनजर रखना होता है। और गैसेज में हमारे जो गैसेज इंडस्ट्रीज हैं वो फ्यूल होगा। और अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो तो मौजूद होगी हर जगह, क्योंकि एयर में जो है वो 21% ऑक्सीजन होती है। अब अगर हम जो है वो ऑक्सीजन पे कंट्रोल करें, अपना ऑक्सीजन को हम रोक लें, तो 21% ऑक्सीजन जो एयर में होती है, जिससे फ्री बर्निंग हो जाती है। अगर हम इसकी मकदार को कम कर दें, ऑक्सीजन की मकदार को कम तो किया नहीं जा सकता किसी भी इंडस्ट्री में, अगर हम इसकी मकदार कम करके 16% टू 8% में ले जाएं, तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो सुलगना स्टार्ट कर देगा, फ्री बर्निंग नहीं होगी, उसको आग लग जाएगी, वो सुलगना स्टार्ट कर देगा। अगर 8% से भी कम कर दी जाए, अगर 8% से भी कम कर दी जाए तो आग बुझ जाती है। अब मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री को आग ही ना लगे। तो हमने ये तीनों चीजें कंट्रोल करनी है, तभी तो आग नहीं लगेगी। फ्यूल को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूल जो होगा वो तो हमारा, यानी अगर पेंट के इंडस्ट्री है तो पेंट तो हमारा प्रोडक्ट है, वो तो हमने बनाना ही बनाना है, तो ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते। और रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो एयर में होती है, वो भी नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आग ना लगने की वजह, उसको जो कंट्रोल करने वाली चीज है वो होती है हीट।
हीट को हम कंट्रोल करेंगे कि हीट ही ना पैदा हो जिसकी वजह से आग ना लगे। हीट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हीट के सोर्स क्या हैं। तो आए हम हीट के सोर्स देखते हैं कि हीट के सोर्स क्या हैं। अब हीट सोर्स में हमारे पास आ जाता है ओपन फ्लेम, जैसे कि कटिंग वेल्डिंग हो गई, स्पार्क हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के हो गए, स्विच वगैरह हो गए, और हार्ड सरफेस मोटरें वगैरह हो गई, रेडिएटर की हीट हो गई, लाइटिंग वगैरह में से जो हीट निकलती है वो हो गई, कंप्रेशन हाइड्रोलिक कंप्रेसर जो होते हैं वहां से जो हीट निकलती है वो हो गई, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां जहां हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये सभी जो हीट है वो आग लगने का बायस बन सकती है। दोस्तों, हीट सोर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो यकीनन हम फायर केस से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नीचे अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।